एमपी के अनुपपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में एक छात्रा ने अपने ही विभाग के प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप भी ऐसा कि जो गुरु और शिष्य के विश्वास को तार तार कर दे। छात्रा का आरोप है कि उसका प्रोफेसर उस पर गंदी नजर रखता था। पिछले 2 सालों से प्रोफेसर छात्रा से अश्लील हरकतें करता था। छात्रा ने बताया कि एक दिन प्रोफेसर संतोष सोनकर ने कोर्स से संबंधित विषय को लेकर छात्रा को अपने साथ डिंडोरी चलने को कहा। छात्रा प्रोफेसर के साथ चली गई, लेकिन उसके साथ वहां जो हुआ उसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना था। वहां प्रोफेसर ने छात्रा को जबरदस्ती शराब पिलाई, फिर खुद शराब के नशे में धुत होकर छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब छात्रा ने प्रोफेसर की इस हरकत का विरोध किया तो उसने शोध प्रगति को प्रभावित करने की धमकी दी। छात्रा ने आरोप लगाया कि जब प्रोफेसर की चंगुल से भागने की उसने कोशिश की, तब प्रोफेसर ने छात्रा को धमकी दी कि वो इस बारे में किसी को कुछ ना बताए। अब छात्रा की मांग है कि उसके कोर्स को कोई अन्य प्रोफेसर पूरा कराए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय प्रबंधन को छात्रा ने लिखी शिकायत दी है, लेकिन अब तक प्रबंधन लापरवाह बना हुआ है, जिसका खामियाजा छात्रा को भुगतना पड़ रहा है। छात्रा अपनी शिक्षा से पिछड़ रही है और मानसिक रूप से प्रताड़ित है। छात्रा ने तंग आकर अमरकंटक थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कराने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा छात्रा को लगातार कंप्लेन वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसके बाद से छात्रा परेशान और डरी हुई है। वहीं पूरे मामले में प्रोफेसर का कहना है कि छात्रा के द्वारा लगाए गए आरोप षड्यंत्र और साजिश है। वहीं पुलिस की जांच में प्रोफेसर के ऊपर लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए हैं। सर, आपके द्वारा अकेले छात्र बुलाया, क्या बुलाया गया था? नहीं, एकदम नहीं। तो उसने कैसे आरोप लगा दिया? वो उसकी मनगढ़ंत कहानी, मैंने पहले ही कह दिया है कि ये षड्यंत्र का मामला है पूरा, मेरे भविष्य को बर्बाद करने के लिए। उसको निष्कासित करने की ऐसी कोई धमकी? कोई धमकी नहीं, कभी नहीं दिया गया, कभी नहीं दिया गया। क्योंकि अगर ऐसा मैं धमकी देता तो मैं उसकी इतनी मदद क्यों करता? देखिए, एक खास समुदाय के लोग शुरू से जो है आदिवासियों के और दलितों का विकास नहीं चाह रहे हैं, और वो शुरू से इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। और इस षड्यंत्र में भी मैंने जैसा पहले भी मैं कह चुका हूँ कि कुछ लोगों का, खास समुदाय के लोगों का हाथ है, और उन्हीं में, उसी समुदाय से जो है हमारे विभाग के भी कुछ लोग हैं, मैं नाम बता चुका हूँ आपको। कुल मामला यही है। सोनू सिंह के द्वारा एक लिखित शिकायत पत्र थाने में दी गई थी, जिसकी जांच पर से पाया गया कि करीब 2 साल से उसको प्रताड़ित कर रहे हैं तथा छेड़खानी करते हैं। उसी पर से थाने में अपराध क्रमांक 121/19 धारा 354 का 509, 506 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सर, फिलहाल प्रोफेसर की क्या स्थिति है? प्रोफेसर विवेचना की जा रही है, विवेचना के बाद फिर उससे उनकी कार्रवाई हो। सर, एफआईआर कायम होने में 4 दिन लगा। सर, क्या कितनी पुलिस क्या कर रही थी अब तक? 4 दिन आवेदन पत्र दिए थे, आवेदन पत्र की जांच हुई, जांच पर से जब अपराध बना तब उसमें प्रकरण कायम किया गया। सर, जो जाँच करता है प्रभारी इंचार्ज भी है, अभी रोज नाम से रिपोर्ट डाला गया कि मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ जाँच में, बाजार में सब्जी ले रही है, क्या मामला है? वो गई होंगी, अब वो शाम आ गई होंगी तब शाम को सब्जी। आपको क्या लगता है, ऐसा है क्या रोजनामचे में झूठी रिपोर्ट डाल के स्वयं का काम करें? नहीं, विवेचना करने